तो गाइस आज हम जाने वाले हैं रहस्यमय एलिमेंटल किंग को ढूंढने के, जिनके पास शक्तियाँ होगी हवा, पानी, आग और पृथ्वी। और गाइस अगर आप लोग भी मेरे साथ इस एडवेंचर पर जाना चाहते हैं तो अभी कभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर पे तो मेरे साथ चलो। तो गाइस फिलहाल मैं और शिनचैन खड़े हैं बीच के ऊपर। यहाँ पर हमने काफी सारी मछलियाँ खा ली, जैसे आप लोग देख सकते हो। सुमित पैपियर को बहुत मतलब आ गए मछली खाकर। यहाँ पर भाई शिनचैन ने कम से कम 4 मछलियाँ खाई है सही में। तो गाइस अभी यार मैंने और शिनचैन ढंग से पेट पूजा कर ली है, तो गाइस चलो अब चलते हैं जल्दी सी किंग कोंग को ढूंढने के लिए, एलिमेंटल किंग कोंग वाटर वाला। तो गाइस यहाँ पर मैंने फ्यूल टैंक मंगा लिया था और मेरी जो बोट है मैंने इसके अंदर बिल्कुल फ्यूल फुल कर लिया है, क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा रिस्की होने वाला है, क्योंकि यार आज तक किसी ने भी वाटर किंग कोंग को आज तक नहीं ढूंढा है। सुमित पे हम जरूर ढूंढेंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे दोस्तों का साथ है। तो गाइस यहाँ पर अभी मैं और शिनचैन जा रहे हैं। शिनचैन मर तो नहीं गया? सुमित भैया तुम पागल हो गए, देख के नहीं चलाते हो क्या बोट? अबे शिनचैन सॉरी यार, मेरे को लगा इसके ऊपर से उड़ा दूं भाई, लग तो नहीं गया नहीं तेरे को? सुमित भैया मुंह फोड़ के पूछते हो, लग तो नहीं गई तेरे, पागल हो सही में तुम भी? यार गाइस सॉरी यार, मैंने शिनचैन को गलती से पटक दिया। चल शिनचैन चलते हैं। सुमित भैया बहुत दूर आ गए सही में। भाई साहब यार चारों तरफ देख सकते हो घोर अंधेरा और पानी है यार। सुमित भैया अब तो क्या पता कहाँ पर मिलेगा। और भाई यार शिनचैन अपनी बोट का सारा फ्यूल खत्म हो चुका है। सुमित भैया अब कहाँ ढूंढेंगे? ओ भाई शिनचैन वहां पर मुझे कुछ दिख रहा है। सुमित भैया चलो मेरे को भी दिख रहा है कुछ। भाई साहब फाइनली ओ शिनचैन ढूंढ लिया हमने फाइनली पहला हमारा एलिमेंटल किंग कोंग को। तुम लोग कौन हो? तुम लोग मुझसे मिलने इतनी दूर आए, मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, पहली बार मुझसे कोई मिलने आया है। तो गाइस यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो भाई ये है वाटर किंग कोंग, और यार कितना ज्यादा यार तगड़ा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो। सुमित भैया ये तो कोलगेट नहीं करता है। अबे पीछे ले कैमरा, पागल है शिनचैन कैमरा कहाँ पर दे रहा है यार, तू भी पागल है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये है वाटर किंग कोंग और ये कितना ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है सेमी। वाटर किंग कोंग प्लीज इस धुंध को हटा दो ना, मैं बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही इससे। लो ये हटा दी तुम्हारे लिए मैंने धुंध। ओ गाइस यार वाटर किंग कोंग देखो यार सारी की सारी धुंध हटा दी, जिससे यार आप आराम से देख सकते हैं सारा कोहरा हटा चुके हैं। वाटर किंग कोंग प्लीज हमारी एक हेल्प और कर दो, हमें कोई अच्छी सी बोट दे दो। तो गाइस यहाँ पर यार काफी सारी बोट है, कौन सी ले शिनचैन? सुमित भाई ये वाली लो, ये वाली ज्यादा मस्त लग रही मेरे को, संतरी संतरी वाली। लो ये लो तुम्हारी बोट। थैंक यू यार आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया यार, यहाँ पर भाई किंग कोंग ने जो हमारा एलिमेंटल किंग को उसने हमें बोट भी दे दिए। मुझसे मिलने आया करो, मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छी अच्छी चीजें लाया करूंगा। वैसे यार तुम्हारे पास इतनी सारी बोट कहाँ से आई? कुछ नहीं, कुछ बोट जो पानी के अंदर खो जाती है उन्हें मैं अपने पास रख लेता हूँ कि तुम्हारे जैसे दोस्त मुझसे मिलने आए और मैं तुम्हें ये बोट दे दूँ। तो गाइस यार हमारे एलिमेंटल किंग कोंग के लिए तो एक लाइक बनती है यार, इसने यार देखो कितनी मस्त वाली है मैं बोट दिया। थैंक यू आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया एलिमेंटल किंग कोंग। मुझसे मिलने आया करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके यार हम हमेशा तुमसे मिलने आया करेंगे। तो गाइस चलो यार जल्दी से यहाँ से चलते हैं। गाइस मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आया यार एलिमेंटल किंग कोंग वाटर से मिलके। उसमें भी चलो गाइस हमें भी बहुत ज्यादा मजा आया सही में। तो चलो गाइस अब जल्दी से चलते हैं यार अपने घर पर। तो गाइस यहाँ पर हम आ चुका हूँ यार किनारे के ऊपर आ चुके हैं यार, अब मुझे जाना है जल्दी सी। तो गाइस अब हमें जाना है यार फायर किंग कोंग को ढूंढने के लिए। और भाई उसका जो भाई था मतलब वाटर किंग कोंग ने हमको बता दिया कि फायर किंग कोंग कहाँ रहता है, वो रहता है पहाड़ों के बीच, वो पहाड़ों के बीच। उसमें भी यहाँ पर भी कोहरा है बहुत ज्यादा, क्योंकि यार शिनचैन तेरे को पता है ना अगर ऐसे यार कोई किंग कोंग से मिल पाता, एलिमेंटल किंग कोंग से मिल पाता तो यार हर कोई जाके ना मिल लेता, उसके लिए यार बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता। तो शिनचैन मेरे को गुफा मिल गई। उसमें भी ये कौन सी गुफा है शिनचैन? ये वो गुफा है जहाँ पर प्रार्थना कर कर हम किंग कोंग से मिल सकते हैं, फायर किंग कोंग से प्रार्थना कर कर मिलना पड़ता है, तुझे पता हो तो। सुमित भैया तो बहुत ज्यादा खतरनाक है सही में। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये पवित्र अग्नि है, ये हमेशा जिंदगी भर तक जलती रहेगी। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वो जगह है जहाँ पर हम प्रे करके मिल सकते हैं फायर किंग कोंग से। सुमित भैया फिर हम कैसे मिलेंगे शिनचैन? इस आग को अग्नि को साक्षी मान के हमें इसके अंदर जलना होगा, जब आप उससे मिल पाएंगे। सुमित भैया तुम जल गए तो मर जाओगे शिनचैन, कुछ नहीं होगा, अगर आप सच्चे दिल से जाएंगे तो हम जरूर पहुंच जाएंगे। सुमित भैया चलो तो देखी जाएगी क्या होगा। तो गाइस 1 2 3 गो गाइस। सुमित भैया ये क्या हो गया, आग लग गई बहुत ज्यादा। ओबे शिनचैन ये कहां पर आ गया पा? सुमित भैया ये तो कोई पोर्टल है सही में, भाई साहब ये तो अग्नि पोर्टल था। सुमित भैया हम तो आ गए बाहर। तो गाइस यहां पर हम आ चुके हैं यार किंग कोंग की दुनिया में, देखो यार पूरी दिखा आग लगी हुई है। तो गाइस वो रहा किंग कोंग, फायर किंग कोंग। सुमित भैया यहां पर तो घंटियां बज रही बहुत सारी, भाई साहब यहां पर देख सकते हो कितनी सारी घंटियां और क्या क्या, भाई कितना मस्त ट्यून बज रही पीछे की, क्योंकि ये है एलिमेंटल किंग कोंग फायर। सुमित भैया यहां पर चारों तरफ आग लग रही है और भाई शिनचैन अपन दोनों जल भी नहीं रहे इस आग के अंदर, क्योंकि यार अपन सच्चे दिल से किंग कोंग को पुकार है तो हम आग के अंदर जलेंगे नहीं। सुमित भैया चलो अब जल्दी से मिलते हैं किंग कोंग से, चला जाओ शिनचैन इस वाले घर के ऊपर चलते हैं। तुम लोगों का स्वागत है मेरी दुनिया के अंदर, तुम लोगों का शुक्रिया जो तुम मुझसे मिलने आए।
उस समय पे देखो यार हमारा किंग कॉन्ग कितना ज्यादा खतरनाक है, फायर किंग कॉन्ग देखो यार कितना मस्त लगा ये, तो गॉज देख सकते हो यार इसके सुनहरे सुनहरे बाल है और ये पूरा अब देखो यार फायर से बना हुआ है पूरा का पूरा लाल, गॉज कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। मेरी इतनी ज्यादा भी तारीफ मत करो, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, जिंदगी मुझसे कोई इंसान पहली बार मिलने आया है, शुक्रिया तो हम आपका करते हैं, आपने हमारे लिए इतना बड़ा तोहफा जो दिया है। कुछ नहीं, मुझसे पहली बार कोई इंसान मिलने आया है तो मैं इतना छोटा सा तोहफा उसको दे ही सकता हूँ। थैंक यू यार, इतना बड़ा हीरा आपने मुझे दिया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने हमें आपसे मिलने का मौका दिया और आपने इतना अच्छा हमें प्रेजेंट भी दिया, इतना अच्छा हमें तोहफा भी दिया आपसे मिलने का, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुझसे मिलने आते रहा करो, हम आपसे मिलने जरूर आया करेंगे फायर किंग कॉन्ग, आप टेंशन ना लो। उस समय पे देखो दांत, अबे शिनचैन तू दांत की तरफ क्यों हमेशा फोकस मारता है। उस समय पे इनके लिए अगली बार हम कोलगेट लेके आएंगे, हाँ शिनचैन अगली बार हम कोलगेट लेके आएंगे। तो गाइज यार इन डायमंड्स को तो मैं बाद में लेके जाऊंगा क्योंकि यार ये डायमंड बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खरबों अरबों के, क्योंकि यार ये हमारे फायर किंग कॉन्ग ने दिए। तो शिनचैन चल अपने पोर्टल के अंदर चलते हैं जल्दी से, उस भैया चलो। तो गाइज हमें वापस जाने का टाइम आ चुका है, तो मैं पोर्टल के अंदर आ चुका हूँ। तो गाइज हम वापस आ चुके हैं, उस उम्मीद भैया सही मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया फायर किंग कॉन्ग से मिलके, और गाइज आप लोगों को भी बताना कि आप लोगों को कैसा मज़ा आया फायर किंग कॉन्ग से मिलके। यार मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार, पता है शिनचैन अगर मैं यहाँ पर मैं जल जाता तो उस उम्मीद भैया हम सच्चे दिल से गए थे ना, इसलिए हमें मिल गया। तो गाइज चलो यार अब जल्दी चलते हैं आइस किंग कॉन्ग के मिलने के लिए, और हमें भाई फायर किंग कॉन्ग ने ये बता दिया कि आइस किंग कॉन्ग कहाँ मिलने वाला है, वो मिलने वाला है दूर हिमालय की चोटी के ऊपर। तो गाइज चलो यार वहाँ पर चलते हैं जल्दी से। तो गाइज यहाँ पर मैं और शिनचैन आ चुके हैं फायर किंग कॉन्ग से बताए हुए रास्ते पर आइस किंग कॉन्ग से मिलने के लिए, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा खतरनाक बर्फ़ गिर रही है, -30 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टेम्परेचर है गाइज। उस उम्मीद पर मेरे को ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। शिनचैन मैंने तेरे को पहले ही कहा था ना कपड़े पहन के आना, पर तू कपड़े पहन के नहीं आया, मैंने तेरे को कहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है गाइज, और यहाँ पर शिनचैन ने मेरा कहना नहीं माना और ये कपड़े नहीं पहन के आया और ये ठंड में बहुत ज़्यादा मरने लग रहा है यहाँ पर। उससे मिलते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, घर चलो आइस किंग कॉन्ग से बाद में मिल लेंगे, मेरे को कपड़े पहन के आने। तो शिनचैन यार अब आ गए तो यार मिल के ही जाएंगे ना गॉयज। यहाँ पर तुम देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ जम रही है गॉयज, और हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, यार बहुत ही खतरनाक जगह पर आ गए। शिट गॉयज यार यहाँ पर मेरी गाड़ी बंद हो चुकी है यार, इसके लात देता हूँ एक। उससे मिल पे अब हम यहाँ से कैसे जाएंगे, दूर दूर तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को। शिनचैन यार कुछ तो करूंगा यार, मैं तेरे को लेके जाऊंगा तू टेंशन मत ले। उससे मिल पे मेरे को ठंड लग रही है, पर शिनचैन यार मैं पहले सारे कपड़े पहन के आया था यार, बच गया बार बार जो मैं पहले कपड़े पहन के आया था। उससे मिल पे अपना कोट मुझे दे दो। शिनचैन यार मैं ठंड में मर जाऊंगा अगर मैंने तेरे को कोट दे दिया तो। उससे मिल पे रुको यार किंग कॉन्ग को बुलाता हूँ। किंग कॉन्ग यार शिनचैन बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ यार मैं, उस उम्मीद पे मुझसे और नहीं चला जाता, मैं मरने वाला हूँ। शिनचैन नहीं यार तुम मर नहीं सकता यार, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता शिनचैन। उस मुझसे और भी चला जाता, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है यहाँ पर यार, मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ क्योंकि यार मैं बर्फ़ में जमने लग रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है यहाँ पर। उस मिनट पे बाय, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। शिनचैन तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता शिनचैन, तू ऐसे नहीं जा सकता शिनचैन मेरे को छोड़ कर। शिनचैन यार क्या करूँ यार, प्लीज़ हेल्प मी। किंग कॉन्ग कहाँ पर है तू? किंग कॉन्ग ओ भाई आग लगने लग गई। उसे मिलते देखो चारों तरफ आग लेने लग गई। ओ भाई हीट लेने दो यार, किसने हमारी हेल्प किया? उसका बहुत ज़्यादा आभार यार। शिनचैन तू खुद ठीक है ना? हाँ सुमित भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओ भाई साहब फाइनली हमारा आइस किंग कॉन्ग आ चुका है। तुम लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है, तुम लोगों को पता है यहाँ पर जो आता है वो कभी वापस नहीं जाता है। हम तुमसे मिलने आए किंग कॉन्ग, तुम्हारे भाई ने हमें यहाँ पर भेजा है तुम्हारा पता बताकर। तुम लोग मुझसे मिलने आए हो, अपनी जान की बाजी लगाकर मुझसे मिलने आए हो? मेरे आंखों में तो आंसू आ गए, पहली बार मुझसे कोई इंसान मिलने आया अपनी जान की बाजी लगाकर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। भाई साहब यार तुम लोग देख सकते हो हमारा किंग कॉन्ग कितना ज़्यादा ही फैंटास्टिक है यार, पूरा बर्फ का बना हुआ है हमारा किंग कॉन्ग। उस समय पे ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है सही में। थैंक यू यार किंग कॉन्ग आप हमसे मिले। अब मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ जो तुम लोग मुझसे मिले हो आके। पे यार ऐसी कोई बात नहीं यार, थोड़ी देर गर्मी ले लेता हूँ यार, पर यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई किंग कॉन्ग, हमारे पास कोई भी वाहन नहीं है जिससे हम वापस जाकर, आपके पास कोई गाड़ी मिल जाएगी जिससे हम अपने घर वापस जा पाएंगे? क्यों नहीं, मेरे पास बहुत सारी चीजें लो। ओ भाई साहब जल्दी से दो यार शिनचैन। उसे मिल गया ये क्या है भाई साहब, इसने तो इतना बड़ा हेलीकॉप्टर हमें ला के दे दिया गाइस यार, किंग कॉन्ग के लिए तो एक लाइक बनती यार, उसने हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प जो की है गाइस यार, कितना अच्छे यार। अभी तक हम तीन किंग कॉन्ग से मिल चुके और तीनों कितने अच्छे किंग कॉन्ग यार, सबने हमारी हेल्प की है। मुझसे मिलने आया करो,
मुझसे मिलने जरूर आया करो, तुम लोग आज से मेरे दोस्त हो। हाँ, हम तुम्हारे दोस्त साथ हम तुमसे जरूर मिलने आया करेंगे। बाय बाय किंग कोंग, बाय बाय आइस किंग कोंग। भाई साहब यार फाइनली हम आइस किंग कोंग से भी मिल चुके हैं, उसमें पे ये तो फुसु पर चैट है। और भाई साहब यार शिनचैन कितना तगड़ा वाला प्लेन दिया यार किंग कोंग ने पाको गिफ्ट में, उसमें पे हर किसी ने पाको कुछ ना कुछ गिफ्ट में दिया है, मजे ही आ गए मेरे को तो। फायर किंग कोंग ने हमको यार हीरे दिए और इसने हमें इतना अच्छा वाला हेलीकॉप्टर दिया है, और यार हमारे वोटर किंग कोंग ने हमें वोट दी थी। चल यार शिनचैन चलते जल्दी सी। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ वापस अपने घर पर, और यार मैं आया हूँ घर पे नहीं आया हूँ, अभी मैं आया हूँ अर्थ किंग कोंग से मिलने के। जो पता भाई उसके भाई ने बताया था, मतलब आइस किंग कोंग ने जो पता बताया था अपने भाई अर्थ किंग कोंग का, तो यार उससे मैं मिलने आया हूँ यहाँ पर। मुझे अब अर्थ किंग कोंग को ढूंढना है, क्योंकि यार वो आज तक किसी को नहीं मिला है, क्योंकि यार वो इन्हीं जगह पर रहता है पर आज तक किसी को नहीं मिला है। तो शिनचैन सच्चे दिल से आपा चल उसको भी ढूंढने चलते हैं, मेरे को पक्का लगता है कि आपा उसे भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि गाइस आप लोग मेरे साथ हो, आप लोग अगर आप लोग प्रे करोगे तो मुझे पक्का किंग कोंग मिल जाएगा। फाइनली अभी किंग कोंग मिल गया। तो गाइस यार हमें एलिमेंटल किंग कोंग, चारों के चारों एलिमेंटल किंग कोंग मिल चुके हैं, और यहाँ पर हमें फाइनली हमारा लास्ट किंग कोंग मिल चुका है। किंग कोंग से मिलने आए हैं कुछ लोग, मैं तो खुश हुआ, मेरे भाइयों ने मेरे लिए इतना अच्छा तोहफा जो भेजा है। ओ गाइस यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो यार बहुत ज्यादा खुश हो चुका है हमारे एलिमेंटल किंग कोंग अर्थ वाला, क्योंकि यार इसने आज तक इंसान नहीं देखे हैं, और भाई मतलब हर कोई इनको मारना चाहता है, और आज हम उनसे मिलने आए हैं। और भाई इसकी छाती देखो कितनी ज्यादा तगड़ी है यार, इसके बाइसेप्स देखो। तुम लोगों को मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, थैंक यू तुम लोग जो मुझसे मिलने आए। लो तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट मेरे पैरों में। गाइस क्या है इसके पैरों में मेरे लिए छोटा सा गिफ्ट बता रहा है? ओ गाइस यार इसलिए भाई इतनी ज्यादा खतरनाक वाली सुपर कार दी इसने मेरे को। कुछ नहीं है ये तो तुम्हारे लिए। ओ गाइस थैंक यू यार किंग कोंग, तुमने मेरे को इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया है। तुम्हारे लिए कैसे मैं शुक्रिया अदा करूं? तो ठीक है किंग कोंग मैं चलता हूं। मिलने आया करो। तो गाइस यार आज तो मजा ही आ गया सही में यार, एलिमेंटल किंग कोंग से मिलके तो मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया। गाइस आप लोगों को भी बताने कि आप लोगों को कैसा मजा आया है। तो गाइस आई होप आपको आज का गेम प्ले अच्छा लगा हो। तो गाइस अच्छा लगा हो तो मेक श्योर गाइस प्लीज आप एक लाइक और एक कमेंट जरूर करा करो। आपको जो भी चीज बुरी लगी हो, अच्छी लगी हो वीडियो के अंदर, एक चीज जरूर बताया करो। जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर होंगे वो जरूर बताएंगे, मुझे मेरी कमियां बताएंगे, या फिर मैं कुछ गलतियां करता हूं या मेरी अच्छाई बताएंगे, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको एलिमेंटल किंग कोंग में से कौन सा किंग कोंग सबसे अच्छा लगा है वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और गाइस आज के शाउट आउट की बात कर लेते हैं, तो पहला शाउट आउट जाता है फ्यूरी गेमिंग को, और गाइस जो हमारा दूसरा शाउट आउट जाता है वो जाता है एएस गेमिंग फैन शोएब को, और लास्ट हमारा जो शाउट आउट जाता है वो जाता है टेक्नो गेमर्स आलोक को। तो गाइस अगर आप लोगों को भी शाउट आउट चाहिए तो आज जो मैंने कोड बताया वो जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं मिलूंगा आपसे इससे अगले गेम प्ले में, जब तक के लिए बाय बाय। We're just getting started, I know that you want it, baby just get on it, ready to go, we know how to party.